खाकर ज्ञान यदि पचाया नहीं, प्रैक्टिस का तड़का यदि लगाया नहीं, तो आपने किया है टाइम वेस्ट, कुछ अच्छा खाया नहीं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, एग्जाम्पल लेकर आया है 30 बेहतरीन मॉक टेस्ट आप सबके लिए। उसमें मैथ्स के सभी टॉपिक में कवर करूंगा और वो होगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, बिल्कुल फ्री। सभी एप्लीकेशन के बच्चे जिन्होंने एग्जामपुर में ज्वाइन किया है, सबके लिए फ्री होगा। तो आप आइए, अपना दम लगाइए। उसमें मैं कवर करूंगा सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो इस साल इसके लास्ट ईयर में आए हुए हैं, सारे एग्जाम एसएससी के सब एग्जाम को मैं कवर करूंगा और कोई भी एग्जाम जो वनडे एग्जाम है सब करूंगा। तो सब बच्चे आए और अपना दम लगाए और देखें आप में कितना है दम। जरूर आए, फ्री फाउंडेशन प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल एग्जामपुर वासियों के लिए। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर, स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप लोगों की अपनी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमारे सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आकर जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे छात्रों को, गुड मॉर्निंग सभी मेरे छोटे भाई बहनों को, गुड मॉर्निंग। ओके, संजना, अर्षी, राकेश, सुरभि, सतेंद्र, मुकेश, कंचन, शिफा, यशिका, श्वेता, संजीव, हाँ गया से भी प्रणाम स्वीकार किया जाता है, महेंद्र, रूपशिखा, सीमा, यशिका। चलो जी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये कल हमने आपको होमवर्क में दिया था। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण आप स्टेनलेस स्टील में नहीं देखते। आप देखोगे होता है वो कहीं ना कहीं आपका किस चीज से मिलके बना है, वो आपका फेरस यानी कि आयरन का ही एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। और ये जो मिश्र धातु होती है इसके अंदर आप कार्बन डालते हैं ताकि उसके अंदर जो उसकी हार्डनेस है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जा सके। निकल और क्रोमियम की मदद से हम क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं ताकि वो जंग ना लग सके उसमें। लेकिन सल्फर का यहाँ पे कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो फेरस के अलावा इसमें कार्बन डलता है, निकल डलता है, क्रोमियम डलता है, लेकिन सल्फर नहीं डलता है। तो आंसर ज्यादातर बच्चों ने, जब मैंने कल आपको होमवर्क दिया था तो आप लोगों ने ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया था। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि मैम क्या सल्फर भी कोई ऐसी चीज है हमें, क्योंकि कुछ कुछ हमें केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि सल्फर इस्तेमाल होता है। तो याद करो, एक प्रोसेस होता था सल्फोनिकेशन या फिर हम इसको वल्कनाइजेशन कहते थे। तो क्या होता था, वल्कनाइजेशन या सल्फोनिकेशन? तो आप क्या कहोगे कि मैम ये जो सल्फोनिकेशन या वल्कनाइजेशन क्या था, जब हम वल्कनीकरण करें, वल्कनीकरण बोले तो रबड़ की जो रबर होती है ना उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करें। कैसे? जब हम उसमें 5% सल्फर गैस में उसको हीट करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ा उसमें लचीलापन आ जाता है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे सल्फर इस्तेमाल करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते थे वल्कनाइजेशन या फिर सल्फोनिकेशन या हिंदी में वल्कनीकरण कहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, सल्फोनाइजेशन या वल्कनीकरण। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, टाइफॉइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ डिजीज आर टाइफॉइड एंड टीबी? जो टाइफॉइड और टीबी होते हैं, मैं निम्न में से किस प्रकार के रोग हैं? बैक्टीरियल रोग है, वायरल रोग है, प्रोटोजोअल रोग है या फिर फंगल रोग है? कीजिए आंसर। ओके, हाँ प्रिया, वेरी गुड, सभी ने, जितने बच्चे थे सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। यहाँ पे जितने भी प्यारे छात्र हैं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को कर दिया करो शेयर। और यहाँ पे जिन बच्चे, जो बच्चे पहली बार हमारे पास यहाँ पे आके जुड़े हैं, वो सभी क्या करेंगे, वो सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आगे जितनी भी क्लासेज है, जैसे मेरी क्लास के जस्ट बाद होगी विनय सर की रीजनिंग की क्लास, तो आपको वो भी करनी है। फिर उसके बाद आपकी किस चीज़ की होगी, मैथ्स की क्लास होगी विकास सिंह सर की, तो आपको वो भी करनी है। तो ये बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस में आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पे मैनेज करवा रखे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन एकदम सुप्रीम लेवल पर चलेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, आपको यहाँ जब सब क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप लोग भी यहाँ पे रेगुलर बन के रहिए। बैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ देखो, जो वो सेल ठीक है, और जो माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, और मैंने आप लोगों को एक चीट कोड बताया था इसका, कि भैया जितने भी आपको ऐसे रोग मिले ना, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे जो उनका रोग का नाम है और जो उनके पैथोजन का नाम है, रोग जनक का नाम है, अगर वो सेम होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बच्चे, वह हो जाएंगे आपके जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीज हो जाते हैं। तो आंसर हो जाता है आपका ए। मैम चेक कीजिए, कोई दिक्कत हो रही है, बफरिंग हो रही है शायद। आवाज में कोई दिक्कत है? रुको, मैं माइक अपने साथ रख लेती हूँ, ताकि अगर आवाज में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो सही हो जाएगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया है। ठीक है, फंगल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज के मैं आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिक्स भी दे चुकी हूँ। तो अगर आप में से किसी भी छात्र ने इस क्वेश्चन को नहीं समझा है, या आपको फंगल डिजीज की ट्रिक्स नहीं पता, या आपको प्रोटोजोअल डिजीज की ट्रिक्स नहीं पता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार ट्रिक्स देख लीजिएगा कि फंगल डिजीज ट्रिक्स बाय पूर्णिमा मैम। ठीक है, ऐसे करके अगर सर्च करोगे तो आपको आराम से एक एक टॉपिक मिल जाएगा यूट्यूब पे, हर चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, साइंस का कोई टॉपिक नहीं छूटा है अब यूट्यूब पे। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा मैम ये 23 क्यों है, क्योंकि 20 क्वेश्चन कल करे थे हमने और आज हम आगे की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हो, और आज मेरी कोशिश रहेगी कि आज MTS वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, चलिए, कौन सा कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? मतलब ये कोई एक ऐसा आपका क्या है, सेल ऑर्गेनल है, जो क्या करता है, जिसको भी देखता है ना कि ढंग से काम नहीं कर रहा तो क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा, उसको सफाई करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको स्केवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, स्केवेंजर ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे स्केवेंजर ऑफ द सेल की बात करती हूँ, तो वो कौन है यहाँ पे, जल्दी से आंसर करो, आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम्स। अच्छा, बाकी सबके भी बताइए, गॉल्गी अपरेटस या फिर गॉल्गी बॉडीज जो होती हैं, या गॉल्गी काय जो होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनका जो सॉर्बिकेट है, यानी कि इनको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताए, बीरबल बनिए, गॉल्गी बॉडीज का क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है, और जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड,
ठीक है, ये जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं, इस प्लास्टिड्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या नाम है? इन तीनों के नाम जरा जल्दी से बताइए। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इसके भी आंसर दीजिए, और साथ साथ अभी आपको यहाँ पे एक पोस्टर डिस्प्ले हो रहा होगा, पोस्टर डिस्प्ले हो रहा होगा जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि अमित वर्मा सर का एक पेड कोर्स आ रहा है, और उस पेड कोर्स की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाएगी और आप लोगों की तैयारी एकदम 100 डेज के अंदर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस बैच के अगर मैं कोर्स प्राइस की बात करती हूँ तो 1499 आपका इसका कोर्स प्राइस होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कैसे, एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पे जाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, तो अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल विद इन अ सेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं आप लोगों ने क्या क्या बोला। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सॉर्बिकेट है वो क्या है, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा गृह, ठीक है, ऊर्जा घर कह सकते हो आप इसको। दूसरा क्या आ जाता है इसका, और सॉर्बिकेट क्या है, सेल विद इन अ सेल, कोशिका के भीतर कोशिका, ठीक है, कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर कोशिका, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक। चलिए जी, फिर इसके बाद मैंने आपसे पूछा क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, ठीक है। और लास्ट क्या आ जाता है बच्चे, लास्ट मैंने आपसे पूछा गॉल्गी अपरेटस, ठीक है, तो गॉल्गी अपरेटस जो होता है इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देते हैं आपका ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि यातायात नियंत्रक, ठीक है। ये सब याद रखना क्योंकि ये सब आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम इनको क्या याद रखना ज़रूरी है, जी बिल्कुल ज़रूरी है, अगर नहीं होता तो मैं आपको कभी याद करने के लिए नहीं बोलती, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के लिए। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मतलब मान लीजिए कि मैंने कुछ चीज़ देखी है, डोर खुल रहा है या सामने से एक बॉल आ रही है, ठीक है। अब वो बॉल आ रही है, मुझे उसको कैच करना है, तो ये जो कैच करने की जो प्रोसेस होगा ये कौन करेगा? मेरी आंखों ने किसी चीज को देखा और अब उसको कैच करना है, उसको पकड़ना है, वो चीज कौन करेगा? लिवर यानी कि यकृत करेगा, ठीक है, गुर्दा यानी कि वृक्क करेगा, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन करेगा, या फिर हृदय यानी कि हार्ट करता है। हाँ, लाइजोसोम सुसाइडल बैग होते हैं, यस वेरी गुड, स्केवेंजर्स भी कहते हैं हम उनको, ब्रेन ब्रेन ब्रेन, ठीक है। ये टुच्चा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन, कि आपका जो मस्तिष्क होता है उसी का यह काम होता है कि वह आपके जो भी कोऑर्डिनेशन है ना उसको देखे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, नियंत्रण और समन्वय, मस्तिष्क। यहाँ पे अगर मैं आपके लिवर की बात करती हूँ तो एक तो ये स्टोरेज करता है, एक तो इसका काम है किसका, भंडारण का, दूसरा काम है इसका टॉक्सिन रिमूवल का, जो भी विषाक्त पदार्थ आप खाते हो ना उसके रिमूवल का काम इसका है, उनको निकालने का काम इसका होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, नेक्स्ट ब्रेन, अच्छा किडनी, किडनी क्या करती है, किडनी आपके शरीर के अंदर जो भी एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा पानी है, ज़्यादा लवण है, ज़्यादा नमक है, उन सबको शरीर से बाहर निकालती है किडनी। और हार्ट की बात करें, मेन पंपिंग ऑर्गन है जो आपके पूरे शरीर के अंदर क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और उसी की मदद से फिर क्या होगा, जगह जगह ऑक्सीजन जा पाती है,
ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? ओके, ये जो है ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, बट कोई बात नहीं, चलिए ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं आप लोग, बट बताइए कि जो पृथ्वी पर पहाड़ बन रहा है, आपको पता होगा कि जो पृथ्वी पर पहाड़ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब आपकी जो दो प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं उनकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है। तो ये जो माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है, इनके चुंबकीय बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, बहिर्जातीय फल के बल के कारण होता है यानी कि बाहर से लगने वाले बल के कारण होता है, एक्सोजेनस फोर्स के कारण होता है, या फिर एंडोजेनस फोर्स के कारण होता है यानी कि अंतरजातीय बल के कारण होता है। क्या उत्तर देंगे आप लोग, बताइए क्या उत्तर देंगे आप लोग? बी 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 हैं, बी ज्योग्राफी क्या है बट बी होगा। अरे भैया गलत कर दिया यहाँ पे। देखो गुरुत्वाकर्षण के वजह से होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से मैंने यहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप करी ये नीचे आएगी, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन दो प्लेट्स हैं ऐसे, दो प्लेट्स आपस में आके ऐसे टकराती हैं, तो टकराने क्या हुआ, ये जो प्लेट्स हैं ये कहाँ हैं, ये पृथ्वी के पृथ्वी पे अंदर हैं ये प्लेट्स, ठीक है ना। तो ये प्लेट्स जब आपस में ऐसे टकरा रही हैं पृथ्वी के ऊपर तो क्या हो रहा है, तब यहाँ पे एक फोर्स लगा, और वो फोर्स कैसा है, इंटरनल फोर्स है इनके बीच का, इन प्लेट्स के बीच का इंटरनल फोर्स है ना। तो ये क्या होगा, ये एंडोजिनस फोर्स होता है, आंतरिक बल होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपके माउंटेन्स का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने साथ बना के रखती है। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी है हमारी और इसके ऐसे थोड़ा सा पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसको पकड़ रखा है, आपके माउंटेन को पकड़ रखा है, नहीं, यहाँ पे पृथ्वी के ही एक पार्ट से बने हैं माउंटेन, ठीक है। हमारे जो लिथोस्फीयर है ना, हमारा ये जो भूमंडल है उसी के एक भाग से मिलके बने होते हैं माउंटेन, और वो भाग कैसे बना, क्योंकि हमारे जो वही जो आपका लिथोस्फीयर है उसने अपने अंदर का प्रेशर इस पे लगाया जिसके कारण उसका निर्माण हो, ठीक है, बात समझिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नहीं होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट्स साउंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स? 14 अगस्त, शिफ्ट 2, MTS 2019 का क्वेश्चन, बताइए मानव के कान का कौन सा ऐसा भाग है जो ध्वनि को कलेक्ट करने का काम करता है? पहला है पिन्ना, ठीक है, जिसको ओरिकल भी कहते हैं। दूसरा है एनविल, ठीक है, जो हमारी इनकस नाम की हड्डी होती है उसको एनविल भी कहते हैं। तीसरा है कॉकलिया, कॉकलिया स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे कान के अंदर। और पांचवा, चौथा ऑप्शन आ जाता है हैमर, ठीक है, पिन्ना, पिन्ना आंसर बिल्कुल सही है। अब जरा एक बार पहले अपने कान को देख लेते हैं, हमारा कान एक्चुअल में होता कैसा है, क्या क्या चीज़ें हमारे कान में होती हैं। देखो ये हमारे कान का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, ये हाथी जैसा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम कहते हैं ओरिकल, ओरिकल या फिर पिन्ना। इसका काम क्या है, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आसपास बहुत ज़्यादा साउंड है और सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, हमें समझ नहीं आती, हम क्या करेंगे, हमारा इमीडिएट वर्क होता है ऐसे, हाँ अब बोल क्या कह रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये जो पिन्ना का एरिया है ये बढ़ गया है ना, और ये जो बढ़ गया इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा चीज़ें अब यहाँ पर सुन पा रहे हैं, ठीक है ना, आराम से साउंड कलेक्ट हो रही है। आपने देखा होगा अक्सर कहते हैं कि जो हाथी होता है ना उसको ज़्यादा अच्छे से ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, क्यों, क्योंकि उसका पिन्ना बड़ा होता है, वो आसानी से क्या करेगा, आसानी से ध्वनि को कलेक्ट कर लेगा। अब ये जो ध्वनि कलेक्ट हुई है कहाँ जाएगी, ये इस ईयर कैनाल में जाती है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल या फिर कर्ण नाल कह देते हैं, ठीक है, इस पे गई। इतना जो भाग है ये, इतने भाग को हम कहते हैं बाह्य कर्ण, यानी कि बाहरी कान कह देते हैं। इस बाहरी कान की एंडिंग होती है इस जगह पे जहां पे आपके कान का पर्दा होता है, जिसको आप कहते हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
ठीक है, क्या कहते हो? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्ण पटल, कर्ण का पर्दा, कान का पर्दा जिसको कह देते हो, कहते हो ना उसका कान का पर्दा खराब हो गया। तो असल में कान का पर्दा खराब होने का मतलब क्या है, ये बहुत ही पतली सी झिल्लीनुमा संरचना होती है जिससे क्या होती है, जिससे हमारी तीन हड्डियां जुड़ी होती हैं। पहली हड्डी ये, दूसरी हड्डी ये, और तीसरी हड्डी हो जाती है हमारी ये। ठीक है, तो कौन कौन सी हड्डियां? पहली हड्डी का नाम क्या है बच्चे? पहली हड्डी को आप कहेंगे हैमर बोन, ठीक है, या फिर मैलियस कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो आप इसको? मैलियस कहते हो। साइंटिफिक नेम मैलियस है, लेकिन क्योंकि हथौड़े जैसी दिखाई देती है इसलिए हम इसको हैमर बोन कह देते हैं। दूसरी जो हड्डी होती है वो होती है इनकस, जिसको हम एनविल भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? इनकस है। और तीसरी जो हड्डी है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जिसको कहते हैं स्टेप्स, ठीक है, या लोग इसको स्टेपिस भी कह देते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स जो होता है वो आपकी तीसरी हड्डी है। अब ये यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो इतना सारा जो भाग है पूरा का पूरा, ये किस में पाया जाता है? ये जो तीनों हड्डियां हैं किस में मिलेंगी? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपको तीनों हड्डियां मिली, ये सब मिली आपको मिडल ईयर में, यानी कि मध्य कर्ण में। ठीक है, ये आपको कहाँ मिली? मध्य कर्ण में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तीनों हड्डियां कहाँ होती हैं कान की, तो क्या कहोगे? मध्य कर्ण में, मिडल ईयर में। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से आपका लेबरिंथ स्टार्ट होता है और इस प्रकार के स्नेल की आकार की एक संरचना सी बन जाती है, और ये एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉकिलिया, जिसके अंदर आपको लेबरिंथ मिलेगा। कलर कोई और लेती हूँ, शायद डल है ये कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिक्विड है ना, इससे क्या होगा? देखो, जब आपकी कोई भी ध्वनि आती है तो वो आपका कान का जो पर्दा है ना, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इससे जुड़ी हुई हड्डी भी वाइब्रेट करेगी, हिलेगी। जब ये हड्डी हिल रही है, अगली वाली हड्डी को हिलाएगी और उससे अगली वाली हड्डी भी हिलेगी। तो अब क्या हुआ, जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपके कानों में, पता है क्या हो रहा है? उसकी 20 गुना तेज आवाज जा रही है। क्यों जा रही है? इन हड्डियों के कारण। तो ये हड्डियां क्या कर रही हैं? एम्पलीफाई कर रही हैं साउंड को। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो हड्डी होगी ये इस लिक्विड के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, और इन वाइब्रेशंस के कारण क्या होगा, ये जो भाग बनाया ना मैंने, ये क्या है? ये है कॉकलिया, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, कौन सा? लेबरिंथ। अब ये जो लेबरिंथ है, इससे ना वाइब्रेशंस बनेंगी, और यहाँ पे आपकी होती हैं ऑडिटरी नर्व्स, ध्वनिक तंत्रिका। ठीक है, जो आपकी ध्वनि को रिसीव करने का काम कर रही है, ऐसी नर्व्स है, ऑडिटरी नर्व्स है यहाँ। तो ये क्या करेंगी? ये ऑडिटरी नर्व्स आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी कि आपने क्या सुना, और उसको ले जाएंगी फिर कहाँ? टेम्पोरल, जो आपका ब्रेन है उस जगह। ठीक है, तो वहाँ पे पूरी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा मैडम बोल क्या रही है। बात समझ में आई? आई नो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैडम आप जो है यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी आपने क्यों पढ़ा दी, क्योंकि भाई देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जब भी हम जो है ना ये ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनकी बात करते हैं, तो अक्सर हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं कि भैया नहीं पढ़ना। लेकिन देखिएगा क्लास में जब मैं बोन्स पढ़ाती हूँ, तब मैं आपको साथ में ईयर भी पढ़ाती हूँ और इसके बारे में भी बताती हूँ। ठीक है, क्यों बताती हूँ? क्योंकि आई नो कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप इन चीजों को लगातार रिवाइज करते रहो और आंसर्स को गलत ना करो, और आपस में लड़ाई बड़ाई मत करो। ठीक है, और जितने भी प्यारे छात्र हैं, आज क्या हो गया, कहाँ चले गए सारे? किसी ने भी क्लास को शेयर नहीं किया क्या आज? हैं, किसी ने भी क्लास को शेयर नहीं किया क्या? इसके साथ साथ याद रखिएगा, मंडे को क्या आ रहा है? मंडे को आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेशन आएगा फिर से, और किस टाइम आएगा? वही ठीक 10 बजे। ठीक है, सोनम मैम कराएंगी आपको स्टैटिक के करंट अफेयर्स, और मैं कराऊंगी साइंस के करंट अफेयर्स। ठीक है, हाँ जी, ओके ओके ओके, बहुत अच्छे।
किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? भाई लो, ये तो टीक्यू हो गया, अभी तो मैं डिस्कस किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वो 14 अगस्त का क्वेश्चन था, ये 18 अगस्त को पूछा गया था। तो देख रहे हो, 14 अगस्त को जो सवाल पूछा गया उसी के ऑप्शन को उठा के यहाँ पे क्या कर दिया, उसी से सवाल पूछ लिया। तो इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया करो। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम हो जाते हैं आपके सुसाइडल बैग्स, ठीक है, आत्मघाती थैली हो जाती है। गॉल्गी अपरेटस और प्लास्टिड्स, ये तो वही ऑप्शंस हैं, हम इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अरे ओके, अगेन अ ज्योग्राफी क्वेश्चन, बट दैट्स ऑल राइट, ज्योग्राफी इज अ काइंड ऑफ साइंस ओनली, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी एक प्रकार का आपका क्या है, साइंस है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। देखते हैं, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? मतलब जो हमारा महाद्वीप है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इनमें जो भी लैंड है बेसिकली, वो किस चीज़ का बना हुआ है? उसके एकदम जो सतह है उसमें सबसे ज़्यादा आपको द्रव्यमान किस चीज़ का मिलेगा? ऑक्सीजन एंड एलुमिना का, मैग्नीशियम एंड सिलिका का, एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम का, या सिलिका एंड एल्यूमिना का? बच्चे जूम है क्वेश्चन, राकेश डी, वेरी गुड जयंत सिंह राजपूत। मैं अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हूँ, कोई बात नहीं रजिया। तो यहाँ पे देखो, देखो सिंपल सी चीज़ है, एक ना पुराने ज़माने में एक कॉन्सेप्ट चला करता था सीएल सीमा और इनका, तो इससे क्या होता था कि जो हमारा पृथ्वी की बाहरी लेयर है, जो आउटर क्रस्ट है, वो आपका सीएल का बना होता है। सीएल का मतलब क्या है? सीएल का मतलब है सिलिकन और एलुमिना। तो यानी कि आपका जो महाद्वीपीय द्रव्यमान है वह किस चीज़ का बना है? पृथ्वी की भू पर पट्टी पे क्या आपको मिल रहा है? आप कहोगे मैम लैंड मिल रहा है, तो वो जो लैंड का क्रस्ट है ना, जो पृथ्वी की भू पर पट्टी है, वो काई चीज़ की बनी है? सिलिकन की और आपके एल्यूमिनियम की, यानी कि SiO2 और Al2O3 की मिलके बनी होती है। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछ ले, ये साइंस का क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि पृथ्वी पर जो भू पर पट्टी है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कौन सा एलिमेंट मिलता है, कौन सा तत्व मिलता है, तो आप एक कोड ध्यान रखोगे Osi करके, ठीक है, क्या याद रखोगे? Osi। तो देखो 49.5% आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। दूसरे नंबर पे आपको मिलता है सिलिकन, तीसरे नंबर में मिलता है आपको एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर में मिलता है आपको आयरन। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अर्थ की क्रस्ट की बात कर रही हूँ, पृथ्वी की भू पर पट्टी की बात कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन साइंस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है अभी रिसेंट के कुछ एग्जाम्स में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, CPO में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स में एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे एलिमेंट कौन सा है तो ऑक्सीजन मार्क करोगे, कोई अगर आपसे पूछे मेटल कौन सा है तो क्या मार्क करोगे? एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकन मेटल नहीं होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और जो सिलिकन है वह आपका एक मेटलॉइड है, ठीक, ये ध्यान रखना। Osi का कोड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका एंड एल्यूमिनियम या एलुमिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 29, ये TQ है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बार कर चुके हो। कीजिए आंसर कि फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में खाते हैं ना हम लोग चिप्स खाते हैं, तो चिप्स के अंदर वो जो पैकेट आता है उसमें आधे से ज़्यादा हवा भरी होती है, ठीक है, तो अब वो जो आधे से ज़्यादा हवा है वो क्या चीज़ की है, कौन सी हवा भर रखी है? नाइट्रोजन भरी है, हाइड्रोजन भरी है, हीलियम भरी है, या कार्बन भरी है? 19 अगस्त, Shift 2, MTS 2019 का क्वेश्चन। नाइट्रोजन, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है ये इनर्ट हो जाती है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये क्या है? इनर्ट है या लेस रिएक्टिव आप इसको कह सकते हो। तो ये एक ना इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करती है, एक आपको अक्रिय सा एटमोसफेयर प्रोवाइड करती है, जिसके कारण प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या था? ये रेंसिडिटी था विकृत गंधिता बताती है। क्या थी विकृत गंधिता, किसके कारण हो रही थी, बताओ जरा विकृत गंधिता क्या थी, जल्दी से बताना।
विकृत गंधिता क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी करोगे साथ साथ। एक क्वेश्चन तो आपका ये है कि विकृत गंधिता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बैट्स सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव्स। यानी कि जो चमगादड़ होते हैं वो कौन सी ध्वनि के द्वारा क्या करते हैं, अपने खाने को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, साउंड सोनिक वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे, दूसरा है हाइपरसोनिक वेव्स यानी कि अच्छा बताओ हाइपरसोनिक वेव्स क्या थी, जिसका जो गति थी वह क्या थी, वो साउंड की गति से बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है सबसोनिक वेव्स, और तीसरी लास्ट है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, यस यस, बहुत बहुत बढ़िया बी बी बी, हाइपरसोनिक बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजाओ। डी डी, कुछ बच्चों को ए भी लग रहा है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। यशिका, सैम, सुरभि, मेतुलाल, मनीष, हिटलर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि भैया जो आपका ये जो बैट होता है ना, ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि को उत्पन्न करता है, और जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि जाएगी किसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, वो किसी चीज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट करती है, बैट उसको सुनता है और फिर क्या करेगा, फिर उसके डायरेक्शन में वो चलता हुआ चला जाता है। तो अब यहाँ देखो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी है, तो देखो हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोनिक वेव्स। ये क्या है, श्रवित श्रव्य तरंग, ठीक है, ये क्या है, स्वन श्रव्य तरंग है, ठीक है। इससे ऊपर की जो वैल्यू होगी यानी कि 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक, उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक कहेंगे यानी कि पराश्रव्य कहेंगे, ठीक है। और जो इससे कम होती है, 20 हर्ट्ज़ से कम की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं अपश्रव्य। हमारे कान ना तो अपश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं ना ही पराश्रव्य को, लेकिन जो बैट होते हैं वो इस पराश्रव्य ध्वनि की वजह से अपना खाना पकड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, इनका इस्तेमाल आपका चून उसमें सोनार में भी होता है, ठीक है, यस वेरी गुड। अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, और मैंने आप लोगों से पूछा था रेंसिडिटी क्या होती है, तो रेंसिडिटी जो होती है जब भी आपका जो कोई भी ऑयल है जब उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एक अलग सी महक आती है, एक गंध आती है, दुर्गंध कह सकते हैं हम उसे, एक दुर्गंध आती है, ठीक है, अजीब सी जो महक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी। वेरी गुड जयंत सिंह राजपूत, बहुत अच्छे, ये हैं हमारी क्लास के बीरबल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके योगिता, ठीक है, ए ए ए बी, वेरी गुड श्वेता, नरगिस, प्रीति, श्रीधर, प्रगति, प्रगति, सतेंद्र, सत्येंद्र, इसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किस चीज़ के, दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे नाइट्रोजन के। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रकार नहीं है, अनभुजा चूना में पानी मिलाना, चूना पत्थर का गर्म होना, पानी का बनना, या फिर कोयले का जलना, बताइए इनमें से किस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं आ रही है। क्या लिख दिया ये, बर्निंग ऑफ लाइम, ठीक है, पानी का बनना यानी कि क्रिएशन ऑफ वॉटर, और लास्ट है कोयले का जलना,
बर्निंग ऑफ कोल। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के दिमाग में, अच्छा ए आंसर आ रहा है, ओके प्रियंका कह रही हैं बी, ओके मैम नहीं पता, हाँ ठीक है वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जब भी क्या होगा, जब भी आपका जो अनबुझा चूना है जब आप उसके अंदर पानी मिलाओगे, यानी कि CaO के अंदर आप अगर आप H2O मिलाते हो तो क्या बन जाएगा, CaOH बन जाता है, ठीक है क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसमें तो कॉम्बिनेशन हुआ ना, सारी चीज़ें आपस में मिल गई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह तो क्या है, यह तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें संयोजन हो रहा है। पानी का बनना, वाटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जब हम एक साथ क्या करेंगे, एक साथ लेके आएंगे तो यहाँ पे पानी बनेगा। अब इसमें भी क्या हुआ, इसके अंदर भी हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कोयले का जलना, जब ये जो हमारा कोयला है हमने इसको क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। लेकिन जब मैं चूने पत्थर की बात करती हूँ, ठीक है, जब आप उसको उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो कैल्शियम है और जो आपका कार्बोनेट है वह आपका अलग अलग होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, चीज टूटेगी, तो वो क्या है, वो आपका डीकम्पोजिशन हो रहा है। ये क्या होगा, ये आपका डीकम्पोजिशन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा चूना पत्थर का गर्म होना, ठीक है, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, आंसर कीजिए इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, ग्रेफाइट है, मीथेन है, डायमंड है, या फिर बकमिंस्टर फुलरीन, कार्बन का एलोट्रॉप पूछा है। हाँ बी आपका सही है, ओके ओके ओके, चलो जी बहुत बढ़िया। अच्छा बुढ़िया 420 कहाँ से नाम लेके आए हो, हैं कोई बात नहीं नरगिस, जल्दी से बताइए। बी मिथेन मिथेन मिथेन, ठीक है ये टी क्यू हो गया आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कार्बन के जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या मिले, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स मिले, लेकिन लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर्स हो वो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेफाइट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें जितने भी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ना सब में हर जगह सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कार्बन का अपरूप हुआ। मीथेन की बात करते हैं, CH4 से मिलके बना है, इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी आया, तो ये इसका अपरूप नहीं है। डायमंड की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, जिनमें कार्बन ही कार्बन है, तो वो डायमंड बनाता है। और बकमिंस्टर फुलरीन में क्या होता है, 60 कार्बन का एक बॉल बन जाता है, जिसको हम बकी बॉल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं। और ये वहाँ पे एक बकमिंस्टर फुलर नाम के आपके एक वो हुआ करते थे, आर्किटेक्ट हुआ करते थे USA में, जिनके नाम पे क्या किया जा गया है, बकमिंस्टर फुलरीन नाम दिया गया है। किस जीव के कारण काला आजार होता है, आंसर कीजिए, किस जीव के कारण काला आजार होता है, काला आजार को आप दमदमा बुखार या दमदम फीवर भी कहते हैं, ठीक है, तो बताइए, ईकोलाई के कारण होता है, एजेटोबैक्टर के कारण होता है, क्लस्ट्रीडियम के कारण होता है, या लिशमैनिया के कारण होता है। यस छंदर योगिता, बच्चे टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे आपको, क्लासेस तो यूट्यूब पे चली है ना, तो आपको टॉपिक वहीं मिलेगा बच्चा, ठीक है,
ग्रेफाइट आर कंडक्टर, हाँ ठीक है, यस एग्जैक्टली पल्लवी, बहुत दिनों बाद आई हो आप क्लास में, लेकिन आते ही एकदम सही आंसर दिया है. तो यहाँ पे देखो ग्रेफाइट क्या होता है, ओनली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो क्या होता है, जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. क्यों होता है, क्योंकि इसके पास आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलिए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसके कारण काला आजार होता है. तो यहाँ देखो जो लिशमैनिया होता है ना, उसके कारण क्या होगा, आपको काला आजार की समस्या हमें देखने को मिलती है. यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेगा. अब ईकोलाई जो होता है उसके कारण क्या होगा, उसके कारण यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम क्या होते हैं, ये आपके वो बैक्टीरियाज हैं जो किस चीज़ में सहायक होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो लिशमैनिया जो होता है वो कालाजार का रोग है, लेकिन यहाँ पे एक और बात आ गई मेरे प्यारे छात्रों, और वो क्या आ जाती है, वो बात यह हो जाती है कि ये जो कालाजार है इसका लिशमैनिया अपने मुँह में लग के कौन लेके आया है, मतलब हु वॉज द वन, ऐसा कौन सा आपका वेक्टर है, वाहक कौन है, वेक्टर कौन है जो क्या कर रहा है, जो आपके शरीर के अंदर लिशमैनिया लाता है, जो आपके शरीर के अंदर. जी तो यहाँ पे देखो, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा, कौन है इसका वेक्टर. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी कि आप लोगों ने शायद इस पोस्टर के बारे में सुना होगा. मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुकी हूँ इस पोस्टर के बारे में कि भैया मैथ्स का ना एक फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रहा है. ठीक है, तो अगर आप लोग जो हैं इस फ्री प्रैक्टिस सेशन को नहीं अटेंड कर रहे हो ना, आपको बहुत लॉस हो रहा है. अगर आपके पेपर में मैथ्स आती है और आपने इस क्लास को नहीं किया है, इट मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे छात्रों इस बात को सिंपल सी बात समझिएगा कि जब आपको फ्री में और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं. अच्छा, एक और चीज़ होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कई बार ना क्या होता है, हम ना ऐसे यहाँ पे कॉमेंट्स में पढ़ जाते हैं और ना फिर समस्या होती है, फिर ना हम पढ़ नहीं पाते. तो यहाँ पे अब इस आपके लिए इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि आपकी ये जो क्लास होती है फ्री क्लास, ये जो फ्री बैच है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होता है. कहाँ, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे. कहाँ होती है बच्चा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर होता है. ठीक है, तो अगर आप लोग एकदम क्या मतलब, जैसे वो कहते हैं ना कि जब घोड़ा जो होता है उसको बिल्कुल सीधा सीधा ही वो चले, है ना, कहीं इधर उधर वो ना दौड़े, इधर उधर उसको रास्ता ना दिखे, तो इस वजह से उसके पास में आंखों के पास में ना ऐसे वो लगा देते हैं, कवच से लगा देते हैं, आई डोंट नो उनको बोलते क्या हैं, तो वो जो उसके गार्ड होते हैं ना, उन गार्ड्स की वजह से क्या होता है, वो सीधा अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है, वो सीधा सीधा दौड़ता जाता है. तो ऐसे ही हमें भी आप लोगों के लिए गार्ड लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कॉमेंट्स में देखते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपस में ना, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुमने वो वाली क्लास ली कि नहीं ली, तुम अच्छा अगली वाली क्लास में आओगे कि नहीं आओगे. अरे भैया वो डेफिनेटली आएंगे, अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप अगर पूछोगे तो भी आएंगे, नहीं पूछोगे वो तो भी आएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कितना भी समझा ले आप नहीं समझते, लेकिन एप्लीकेशन पे हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, है ना. तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, ताकि आप इस फ्री बैच को ले सकें. ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैथ्स का मास्टर बैच आपका, जिसके अंदर 100 दिन के अंदर आपकी जो है क्या चलाई जाएगी, 100 दिन के अंदर आपका ये है UPSI SSC GD और UP SSSC PET के लिए तैयारी कराई जाएगी, और उसके बाद अगले 80 दिन जो है आपके SSC के लिए तैयारी कराई जाएगी. अगर आप जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो 1499 के कोर्स प्राइस में आप इस क्वेश्चन को, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो. मैम एक बार वो वाला पोस्टर लगाइएगा. तो UP SSSC PET का जो संजीवनी बैच है वो भी आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है. कोर्स प्राइस है इसका 999. अब देखो आप लोगों को पता होगा कि लगभग 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है UP SSSC PET का. ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि भैया यहाँ पे हमने फॉर्म तो भर दिया है मैडम, लेकिन हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी का पता नहीं, हम पता नहीं मास्क लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, तो आपके लिए ये बैच है.
इस बैच के अंदर आपको जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है सब बहुत बेहतरीन तरीके से, जिनके पास बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, वो आप लोगों को सही राह दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बैच को आप 999 के कोर्स में, 999 के प्राइस में आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्लास कहाँ होगी और कैसे होगी, तो क्लास का शेड्यूल आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, विवेक सर ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया था इस शेड्यूल को। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है ज़रूर एक बार देखेंगे और चीज़ें समझा करो, ठीक है। पता है क्या होता है कि जो है ना, अगर आपके करियर के लिए जब आप 125 रुपये का फॉर्म भर सकते हो, तो इट इज़ जस्ट 999 जिसमें आप जो है पूरे साल के अंदर आप तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक है। वो 125 रुपये भी वसूल हो जाएंगे, ठीक, अगर आपका एग्जाम निकल गया तो। एग्जाम निकालने में सहायक ये है। अच्छा, अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि काला आजार का वेक्टर कौन है, आपके शरीर में लेके कौन आ रहा है, किसने आंसर किया इसका। यस, वेरी गुड। कैसे बताया था मैंने, काला आजार कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, और डेजर्ट में क्या मिलती है, सैंड, ठीक है। और इसका वेक्टर कौन हो जाएगा, सैंड फ्लाई हो जाती है, यानी कि बालू मक्खी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी आप लोगों को। मैम पोस्टर रिमूव कर दीजिएगा, ओके ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। जल्दी से बताइए, पैनक्रियाटिक जूसेस में। भैया देखो, आपको पता है हमारे शरीर के अंदर पाचन अलग अलग स्थानों पर होता है। अब जब हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो करते हैं हमारा पाचन छोटी आंत में, ठीक है। पैनक्रियाज से निकले रस, रस कहाँ पहुँचे, छोटी आंत के ड्यूओडेनम में। अब ड्यूओडेनम में जो रस पहुँचा है पैनक्रियाज से, उनमें ऐसा कौन सा रस होता है, ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, या फिर उपेज होता है, लाइपेज कर लो इसे, लाइपेज कर लो, ठीक है। तो लाइपेज होता है जो क्या करता है, जो आपके प्रोटीन का पाचन करता है, बताइए इन चारों में से। यस, ओके ओके ओके, पेप्सिन, पेप्सिन देबरगा विश्वास, बिल्कुल। आप लोग, आपकी जो बुक है बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चों तक जो है बुक्स पहुंच चुकी है, बहुत आप लोगों तक भी जल्दी पहुंच जाएगी। भाई देखो, सिंपल सी चीज़ होती है ना, हमने कोरियर कर दिया, हमने अपनी बुक सेंड आउट करनी स्टार्ट कर दी, अब ये जो है कोरियर जो हो रहा है वो धीरे धीरे तो पहुंचाएगा आपके घर तक। आपको भी पता है लॉकडाउन की कितनी समस्या है, कितनी जगह से जो है क्लियरेंस लेनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ से कोई इशू आ रहा होगा, जल्दी ही आपकी बुक पहुंच जाएगी। फिर आप मेरी क्लास में आके कमेंट करोगे कि यस मैम, हमें बुक मिल गई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है, पेप्सिन यहाँ पे जिम्मेदार, सॉरी ट्रिप्सिन यहाँ पे जिम्मेदार होता है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, अग्नाशय रस में। पेप्सिन जो होता है यह स्टमक में निकलेगा, आमाशय में निकलता है ये, ठीक है। अमाइलेज कहाँ है, अमाइलेज आपके मुख में भी निकला, अमाइलेज आपके पैनक्रियास्टिक जूसेस से भी निकला। और लाइपेज जो होता है यह फैट का पाचन करेगा, अमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पेप्सिन पेप्सिन तो आंसर कर रहे हो, लेकिन सही उत्तर ट्रिप्सिन है, ठीक है। यस, वेरी गुड प्रदीप, नरगिस, बहुत अच्छे। चलिए जी, अच्छा अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए। देखो पहले हिंदी में देख लो इसे, केशिका गुच्छ जिसको हम ग्लोमेरुल्स कहते हैं और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग का भाग है। दिल, गुर्दा, ठीक है, फेफड़े, या फिर जिगर। तो यहां पे देखो, हार्ट यानी कि हृदय, किडनी यानी कि वृक्क, लंग्स यानी कि फेफड़े, और लिवर यानी कि यकृत। बताइए कि इनमें से किसमें जो है आपको क्या मिलेगा, किसमें आपको बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स दोनों चीजें मिलती है। अरे जिसकी भी बुक नहीं आई है बहुत जल्दी आ जाएगी, काहे टेंशन ले रहे हो। और जितने भी नए छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़े हैं, सब क्या करेंगे, सब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ताकि नोटिफिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती रहे, क्लासेस चलती रहे धुआंधार तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुल्स क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये जो आपका एक कप है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर एक गुच्छेनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके प्लाज्मा को फिल्टर किया जाएगा, उनको हम कहते हैं ग्लोमेरुल्स। और ये किसका हिस्सा है, यह आपके नेफ्रॉन का हिस्सा है, ठीक है, ये नेफ्रॉन की पीसीटी है, ठीक है, ये आपके लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डीसीटी है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप, ठीक है, ये हो गई डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहां से भी क्वेश्चंस बनने लगते हैं कई बार, ठीक, तो आंसर क्या हो जाता है, अब देखो नेफ्रॉन किसकी इकाई है, वृक्क की इकाई है, किडनी की इकाई होती है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, किडनी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, लो जी टी क्यू है अगेन बैरोमीटर, इनमें से किसका, किसको मापने के लिए प्रयोग की जाती है, यस यस यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ न्यूरॉन बिल्कुल सही, वो नेफ्रॉन बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाँ नेफ्रॉन ही तो लिखा है। अच्छा, इसकी स्टडी, किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा एक और चीज मैं अपने क्लास का भी बारे में आपको बताऊंगी कि मंडे को तो आपको पता है मंडे को क्या आ रहा है, मंडे को तो है हमारा करंट अफेयर्स वाला सेशन, उसके बाद ट्यूजडे को, तो जो है ना वो करंट अफेयर्स का सेशन जरूर करना है। मंडे से क्या होगा, मंडे से अब मैं लाऊंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स का पंचनामा, जैसे मान लीजिए कि मैं 250 क्वेश्चंस लेके आई केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट डाली थी कि मैम जो है ना आप प्लीज इस तरह से वो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज करा दीजिए क्वेश्चंस, ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बेसिकली अब आएगा आपके लिए साइंस का पंचनामा, साइंस के पंचनामे में एक दिन मतलब ऐसे रहेगा, पहले हम 250 क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, अकॉर्डिंग टू यू जैसे आप चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को चाहते हो। वैसे मैं चाहूंगी बायो के आप पहले करें क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है बायो की होती है, ठीक है। तो अब रहेगा आपके बायोलॉजी के 250 क्वेश्चंस का पंचनामा, ठीक है, तो उसके लिए मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे चला करेंगी, और फिर अगले मंडे टू फ्राइडे जब तक 250 क्वेश्चन नहीं हो जाते। और पंचनामा का सीन क्या रहेगा, क्यों है ये पंचनामा, ये भी मुझे बताने का मौका देना कब, ट्यूसडे को, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, ओके ओके ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया, ये क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन का आंसर बैरोमीटर इनमें से किसकी किसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है, करंट को, यानी कि विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को मापता है कौन, एमीटर, ठीक है। उसके बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर, यही इसका सही उत्तर हो जाता है कि भैया वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए यह इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर्द्रता, आर्द्रता के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड, चलो जी यहां पे ये आ गया आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, तो आप मुझे बताएंगे कि जो आपका ऑल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई होती है, उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आज का होमवर्क क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से प्रकार के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, मोथ से, गोट से, शीप से, या बटरफ्लाई से, यानी कि कीट, बकरी, भेड़ या तितली, जल्दी से बताइए रेशम किस प्रकार के जीव से उत्पन्न होता है। अब देखो जो आपका रेशम की स्टडी होती है, रेशम का पालन होता है, जब हम रेशम बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। और याद करो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जो पेपर में पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि जो सेरिकल्चर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा कौन से एक राजा ने दिया था, तो यह भी ध्यान रखना कि भैया यहाँ पे टीपू सुल्तान आ जाएगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव राजा था, अपने समय से आगे की सोचा करता था, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि जो सिल्क होता है किससे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है,
ठीक है, किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से बनता है, रेशम के कीड़े से बनता है। लेकिन ये जो रेशम का कीड़ा है, ये आगे चल के किस में डेवलप होता है? ये आगे चल के कीड़े में, मोथ में डेवलप होता है, ठीक है। और जो रेशम होता है ना, ये कुकून, मतलब ये जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, कुकून्स बनाता है, गुच्छे से बनाता है ये, एक मतलब वाइट वाइट कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उसी से फिर रेशम का उत्पादन होता है। यस, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया आपका आंसर, मोथ। कुछ बच्चों को लगता है तितली भी होती है, नहीं भैया, तितली से नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब मानव में जो प्रजनन होता है, और वो किन में से किस प्रकार का निषेचन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF होता है, कि टेस्ट ट्यूब बेबी होगा बेसिकली। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है, जैसे आप फिशेस वगैरह में देखते हो, ठीक। और लास्ट आ जाता है एक्स विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब बताइए इनमें से क्या होगा? ए TQ था, चलो जी। तो बिल्कुल सही, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, कि यहाँ पे जो स्पर्म और ओवम मिलता है वो शरीर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम निषेचन नलिका कहते हैं, इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर पूरा का पूरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म आके यहीं पे ओवम से मिलता है, इसी को हम निषेचन कहते हैं। और बनता क्या है, बनता है यहां से जाइगोट, ठीक है। फिर जब जाइगोट धीरे धीरे मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता है, तो वो बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। और वो जो एम्ब्रियो होगा, फिर वो क्या बनेगा, फिर वो बनेगा फीटस। और फीटस के बाद जब वो बच्चा बर्थ हो जाता है, जब उसका जन्म हो जाता है, तब वो कहलाता है एक चाइल्ड या बेबी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एंड SI यूनिट पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। लीजिए शिफ्ट 3 अगस्त 13 और 2019 MTS का क्वेश्चन, बताइए। पावर, जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं। इंडक्टेंस, उसको हम हेनरी में मापते हैं। कैपेसिटेंस, जिसको हम ओम में मापेंगे। या फिर आपका फोर्स, जिसको हम न्यूटन में मापते हैं। यस, वेरी गुड। जितने भी प्यारे छात्र हैं जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, सभी क्या करेंगे, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके साथ साथ UP SSSC PET का जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है, ठीक है। अब जल्दी ही लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो इनको, इन एग्जाम्स को क्रैक करके अपनी सरकारी नौकरी को हाथ में पाना, तो आपको UP SSSC PET का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके लिए आपके पास है संजीवनी बैच। ये संजीवनी बैच का कोर्स प्राइस 999 है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके ओके ओके, फोर्स इज टू न्यूटन, वेरी गुड। चलो ये तो बिल्कुल सही हो गया। हमारे पास टाइम है क्या? नहीं, हमारे पास आज टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। इनको हम आगे कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि पावर की यूनिट क्या है, इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है। आप लोग चाहें तो इनको आप होमवर्क क्वेश्चन में भी आंसर कर सकते हैं कि भैया हम कैपेसिटेंस को किस में मापते हैं, ठीक है, इंडक्टेंस को किस में मापते हैं, और तीसरा क्या है, पावर को किस में मापते हैं। और एक होमवर्क मैंने आपको और दिया है, क्या, कि हाइट को किस चीज से मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। तो आज के आपके होमवर्क हो गए। तो चलिए, जितने भी हमारे प्यारे बीरबल है, सभी को यहां पे बाय बाय कहते हैं। मिलेंगे कब? मिलेंगे कल फिर से, ठीक 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल चैनल पे, ठीक है। तो चलिए, अब दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।